ओके हाय एवरीवन, मत बोलना कि काली लग रहे हैं सर। गाइस कैन यू हियर मी? अभी आदित्य है सिर्फ, बाकी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। ओके सो गुड इवनिंग अनन्या, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग संचना, गुड इवनिंग संध्या, गुड इवनिंग किशोर, गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इवनिंग राइट, सर। गुड इवनिंग। सो एज आई टोल्ड यू ना, राइट, हम लोग अभी स्कूल के हिसाब से भी करेंगे, मतलब दोनों के स्कूल के हिसाब से भी करेंगे, है ना? राइट, यस, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेम्बर, राइट। सर आपके पास चेयर कब से आ गया? आई एम अ जादूगर, यू नो। सच कहो ना, मुझे ऐसा लग रहा है विद्यानगर से उठा के इधर लेके आ जाए। अच्छा मैजिशियन, आई कैन मेक थिंग्स। ठीक है, सर, गुड तो इवनिंग मेरा संजना, गुड टीचर। इवनिंग सानवी, गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग कार्तिकेया। ओके, बाकी लोग नहीं अब तक, नबील, विहान, हाउ आर यू सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आई एम गुड, आई एम गुड। श्रेया आ गई, गुड इवनिंग तनुश्री। श्रेया, अरे किशोर भी आ गया। अरे वो वीडियो किसने बनाया था, श्रेया ने कि किशोर ने? किशोर, कौन सा सर? मैंने बनाया था सर। हाँ तुमने बनाया था? सर। नाइस नाइस, तो मैंने, कौन सा वीडियो? अरे वो टीचर्स डे में एक बनाया था श्रेया किशोर ने, सर आपका फोटो कहाँ से लिया बोलो सर। वो, अरे तुमने वो फोटो तो इंस्टाग्राम पे भी है शायद, नहीं सर, फेसबुक से लिया था सर। हाँ फेसबुक से लिया था। ओके सर। ओके, दैट वाज अ नाइस फोटो, थैंक यू थैंक यू। हाँ सर देखो सर, हमारे सर, आज आपने स्कूल स्पेक्स भूल गया। एक्चुअली मैं भूल गया कि मैंने कहाँ रखा, एक्चुअली दैट्स द थिंग। सर मैजिशियन हो ना सर, और एक बनवा लो। अभी तुम लोग पढ़ा रहा हो ना, तो अभी मैंने प्रोफाइल चेंज कर लिया अपना। गुड इवनिंग जिया, ठीक है। ओके राइट, हम सो तो हमारे टीचर्स को बस हैप्पी टीचर्स डे बोले सर, आपके लिए तो वीडियो हाँ, तुमने नहीं बनाया है, किशोर ने बनाया है, ठीक है, क्रेडिट मत भी लो। नबील आ गया, अरे वाह। सो चलो चलो, रहे। नहीं सर क्या हुआ समझना, सर? अरे वाह सर, क्या हुआ सर? अरे वाह, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम आए ना, अरे विहान भी आ गया, मिस्टर मार्श वालू। चलो ओके, हाँ राइट। सो सी, आई गेस ऑल ऑफ यू नो, ओके राइट, सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर विच इज लाइंस एंड एंगल्स, है ना? यू कैन जस्ट मैसेज गाइस, ओके राइट, लाइंस एंड एंगल्स। नाउ व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द चैप्टर, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट बाउंडेड बाई द सिलेबस, ओके, सो वी विल सी वॉट वी नो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योमेट्री, राइट, ज्योमेट्री है ना, think about it, geometry is what? Geometry is the study of figures, yes or no, tell me, right? है ना? So whenever we talk about any figure, either line, circle, triangle, quadrilateral, है ना, सब वही होता है, right? Make sense? So whenever we talk about first geometrical figure, the first geometrical figure that we have studied or we will study for class 6 students, है ना, is line. I guess everyone know line. Line is covered in class 6 syllabus, yes or no, right? है ना? Okay, yes, right? Vihan Bindu, yes, Tanushree, okay. So let us see what we already know. Okay, देखते कितने लोगों को क्या आता है. Okay, everyone, we'll play Kahoot. Okay, we'll today play Kahoot. So this is a line, yes or no? What kind of line is this? Tell me, what kind of line is this? So we have line, segment, ray, or line. So this is what? Line segment. Very good, Ananyal. Very good, Nabil. This is a line segment. Yes or no? I guess all of you should know the difference. All of you know should all of you should know the difference.
right? Between these three. Right? Tell me, these three are same. Tell me, these three are same. No, right? No, no. Very good. The first one is what? First one is a fixed line, right? The length of this first line is fixed, right? So this is called as line segment. Okay, this is called as line segment, right? Because the length of this line is fixed. So I can say length of line, which is fixed, is called as line segment. It is between two fixed points, A and B. It is always between two fixed points. Yes or no? Right? So I can say a line having two fixed points is your line segment. Make sense? Right? Jia, Vihan, Anya, easy enough? Yeah, na? Sir, aata hai sir. Kya? Aata hai sir. Right? And second one is only one point is fixed. And this can go up to infinity. Jaate rahega ye. Hai na? Jaate rahega ye. Right? So this is ray. Exactly. Ray. And what about this? Tell me. Third one. Yes. Third one is just line. I can call it as just line, which is sir, jaate rahega, dono sides se, no end. Okay. So I guess everyone know this. Sir, easy sir. Bahut easy. Bacche wala. Next. Next is something called as angle. Right? Angle. Anna. So what is the angle? Tell me. Yes. Any two ray. Okay. Angle is. Tell me. Angle is made between any two ray, any two line. Yes or no? Anna. Yes or no? Now, when you talk about types of angles, ab yahan se matlab tha sa class 9 ka syllabus chalu hota hai, sorry, class 6 or 7 ka syllabus chalu hota hai, right? Yes, when two rays meet, then it forms an angle. Correct. Very good, Sinshna. Right? Hai na? Definition? Haan, Nabil. Bilkul sahi bole. Ay, tum dar bolte kabo. Right, Nabil? Hai ki nahi? I will tell you, I will give you a job, Nabil. After 5 years, I will give you a job in the home school. Don't worry. Theek hai? Sab koi part-time teacher ban jana. Okay. Right. So when you talk about angle, depending on the measurement, right, there are different type of angles. Yes or no? So this is just a revision, guys. So I say, sir, when you talk about this, yeah, na? When you talk about this, I can say that, okay, this is two ray. If I keep on rotating, right, fixed this line or this ray and keep on rotating the second ray, then the angle will change. Yes or no? The angle will change, right? Okay. Anna. So I can say, sir, if it becomes perpendicular, right? Anna, perpendicular. Then this angle is called as 90 degree. And this is also called as right angle. Right angle. Yes or no? So I guess say, so this is the reference. This 90 degree is taken as a reference angle, right? So whenever we talk about reference angle, so this is the first reference angle, the angle between this blue ray and purple ray is your 90 degree. Now, if I take the other ray, which is like this, the red one. Okay. Now tell me, what is the angle between blue ray and red ray? Tell me, what's the angle between blue ray and red ray? Correct, straight. So what is the angle? 180. Awesome, right? So sir, this whole angle is, tell me, right? This is also 90, no? This is also 90. Okay, this is also 90 and this is also 90. So 90 plus 90, 180. So this is basically your straight line. Straight
line and the angle between these two rays is always 180 degrees. So if angle between two, if 180 degree, if angle between two ray is 180 degree, then that is your straight line. Yes or no? More basic. So if I have to prove that two ray is a straight line, you just have to say that the angle is 180 degree. Makes sense, right? Okay. Yes. Now, there are some terms associated with that, right? First, let us see the terms. So the first term is acute. Then obtuse, then reflex, then complementary, and supplementary. Okay, now I will mute one by one, right? I will mute one by one and you guys will let me know, you know. You guys will let me know. So when you talk about acute, okay. So Tanushree, wait. I'll unmute. Okay, I'll unmute. Wait, I'll unmute one by one. Aditya, what is acute angle? You can unmute. Others can speak there in the... angle which measures between 90 degree and 0 degree is an acute angle. Yes, very good. So I can say angle, right, measuring less than 90 degree. Less than 90 degree. Yes, right? English, we can write like anything. Hai na? Chalo. Okay. Now, okay, Vihan. Next is Vihan. Obtuse. Wait. Where is Vihan? Okay, Vihan, tell me. Sir, obtuse angle is an angle which is more than 90 degree and less than 180 degree. Awesome. Very good, right? So I can say angle measuring, and mute yourself after unmuting, less than 180, more than 90. Okay. Now reflex angle, Nabil, tell me. Sir, I want to tell complimentary, sir. No, reflex you tell me. Okay, sir. Reflex angle is angle which is greater than 180 degree, but smaller than 360 degree. Yes, so angle measuring less than 360 degree, more than 180 degree, right? Then, and Gia, can you tell complementary? Two angles which add up to 90 degrees. Yes, correct. Sir, can I say supplementary? No. Two angles first. Two angles, right? Supplementary or complementary? Complementary means two angles, not more than two. Okay? No. Two angles should sum up to 90 degrees, right? Means addition of these two angles. Right? Suppose this is X and this is Y. So here X plus Y are complementary, right? Yes or no? X and Y are complementary. Okay, right. Then Bindu, can you tell me supplementary? Wait, I'll just unmute you. Don't worry, I'll ask everyone. Sabke liye sawal hai mere paas. Bindu? Supplementary? Can you speak, Bindu? You are muted. Bindu, we can't hear you. Excuse me, sir, for class 6, supplementary and complementary is not taught. That is why I'm asking, right? Can you tell? No, na? Sir, okay. Can I? Wait. Then Kartikeya? Kartikeya? Can you tell me?
supplementary? Yes, sir. Yeah, tell me, Karthik. Two angles should sum up to 180 degrees. Awesome, right? And odd sum of two angles. Sir, I think your complementary spelling is wrong, sir. My spellings are always wrong, right? Accept it. Okay, sir. Right. Now, the supplementary angles, are also called as linear pair. Okay. Yes, sir. I was having a doubt in this one. Yes. So linear pair is me. The meaning of linear pair is sum of two angles should be 180. Right? Or they are always supplementary. So that is the definition of linear pair, right? So let us see. Suppose I'm having a line. Jadu? Nahi hua Jadu. I'm sad. Okay. Right. Okay. So suppose guys, just wait. Yes. Okay. Suppose I'm having this line. So this, how many angles are there? Tell me, how many angles are there? Two. This is X and this is Y. So these are called as supplementary angles. Yes or no? Is this a supplementary angle? Yes or no? The answer is no. Why? Why? First of all, sir, it is not given that X plus Y is equal to 180 degree. Yes or no? Yes or no? Right? No, not even linear pair. Right? It should be given. It should be given. Right? Either it should be given that this line L is a straight line. So, you should have these two informations. First information is L is a straight line. Take care. Right? Or X plus Y is equal to 180 degree. So in any problem, these two informations, these two information is given. L is the name of this line. Tanushree, L is the name of this line. Okay. Got it. Then only you can say that this is a linear pair. Makes sense or supplementary. Right? It might be asked somewhere, right? Either L is a straight line or X plus Y is equal to 180 degree. Then only it is a linear pair. Okay? Right? Okay. Now, L is the name of this line. Not Tanushree. You say, Maya naam kya hai? Right? Tanushree. Right? Dev sir. In the same way, L is the name of this line. Okay? We can name the line, we can name the angle, right? We can name that this point is O. Right? Okay. Right. So this is about one line. I guess all of us understood these things. Bindu, Vihan, everyone, you understood supplementary, complementary, linear pair? Raise your hand. Yes. Jia, Ananya, Shreya, anyone have any doubt? Please ask. Sanvi? Okay. I guess Shrey? Okay. Very good. Linear pair is just supplementary angle. Linear pair is just the other name of supplementary angle. Yeah, Tanushree one. Tanushree two. Okay. Okay. Now, whenever we talk about line, so let us see. Okay. So what are these lines called? Tell me. Suppose this is line L1. This is line L2. What are these two lines called?
parallel lines. Awesome, right? All of us know this. This is a parallel line, right? Hai na? Okay. And what about this? What about this? What is this line L3? Everyone. It is called as intersecting line. Very good, Anna. Intersecting line. Awesome, right? So I guess all of us know what is parallel line. So these two parallel lines, if I have to write, so what is the meaning of parallel lines? So can they ever meet? Tell me, can they ever meet? L1 and L2, I can say, sir, L1 and L2, right? Never meet. Never meet, right? Anna, right? And the distance between these two lines will always be, right? Yes or no? Anna, equal, correct. So this is the first thing about parallel lines. And second is distance between L1 and L2 is always equal, is always equal, right? Yes. Hai na? Yes. So again, parallel lines kabhi meet karenge hi nahi. Simple. Parallel lines kabhi meet karenge nahi. Agar meet kare to parallel lines nahi. Clear hai? Right? Hai na? Tell me. Now, first of all, tell me how many angles can you see over here? Everyone. Let us observe, right? How many angles can we see over here? Very good, Shreya, correct. Very good, Sinchana. Very good, Nabil. Aditya, no, Aditya, right? Use your, no, Vihan. Count. No. So, suppose this is angle one. And this is the sign of angle. This is sign of angle, right? This is the sign of angle, okay? So, I'll just write angle two. This is angle 3, this is angle 4, very good. This is angle 5, this is angle 6, this is angle 7, this is angle 8. How many angles? 8 angles. Correct, Kartikeya. Correct, Antya now. So, in total, we have how many angles? 8 angles. Everyone understood that we have 8 angles? If there are two parallel lines and one intersecting line, the angle formed, the number of angles formed is 8. Yes. Right? Yes. Super easy. Super easy. Enough. Okay. Now, this line is called as intersecting line or transversal line. L3 is either intersecting line or transversal line. And it is also called as transversal. Okay? Right? I guess much more here. Now, do we already know information about some lines? Tell me, some angles. See, I have written just 2, 3, but you have to write angle. Okay? You have to write angle. Okay? Right? Light actually made itself pain. Okay, I'll just keep it like this. Now it is better. Like, ab mein chai dikh raha hai? Nahin? Okay. Chalo. So, let us check. Okay, L1 is a straight line, yes or no? Tell me, L1 is a straight line, Vihan? Yes, L1 is a straight line. I told you that L1 is a straight line. L2 is a straight line. L2 is a straight line. L3 is a straight line. Yes, L3 is a straight line. Right? Oh, I didn't. Okay, right. Chalo. So what information do we have? We have, sir, L1, L2, L3. Sab bhai bhai hai, sir. All of them are straight line. This we already know. Yes or no? Right? Okay. So now we will use our common sense. है ना सबके पास है ना राइट
कॉमन सेंस, सबसे पहले हमें कॉमन सेंस आगे रखना है ना. नाउ लेट अस सी कॉमन, लेट अस यूज आवर कॉमन सेंस. सो एंगल वन एंड एंगल टू, एंड एंगल टू, एंगल वन एंड एंगल फोर, एंगल टू एंड एंगल थ्री, एंगल सिक्स एंड एंगल फाइव, एंगल सिक्स एंड एंगल सेवन, एंगल फाइव एंड एंगल एट. ओके, एंगल सेवन एंड एंगल एट. ओके, एक और यहां पे छूट गया है, मैं यही दे रहा हूं, एंगल थ्री एंड एंगल फोर. ये आठ पेयर, ये आठ पेयर कैसे एंगल्स है, टेल मी. एडजस्ट एंगल्स तो बगल बगल में है ही, एडजस्ट एंगल्स तो है, बट आर दे समथिंग एल्स ऑल्सो. लीनियर पेयर, वेरी गुड नपी, राइट. यस और नो, सप्लीमेंट्री, यस, वेरी गुड. सो ऑल ऑफ देम आर वॉट, राइट, एग्जैक्टली, है ना. सो आई कैन से सर, ऑल ऑफ देम आर लीनियर पेयर, यस और नो. So if I ask you how many linear pairs, right, meaning means some of these two is always 180. Some of these two angles, some of the pairs will always 180. Aaya na, right? Angle 1 plus angle 2 kitna hota hai? Tell me. What is angle 1 plus angle 2? Right? Aaya na? Angle 1 plus angle 2, 180. Angle 2 plus angle 3. Angle 2 plus angle 3, 180. Angle 1 plus angle 4, 180. Yes or no? Because straight line hai na? Got it? स्ट्रेट लाइन है ना विहान, राइट, बिंदु है कि नहीं. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर पेयर, है ना, राइट. एंड इट इज गिवन ना, इट इज गिवन दैट एल वन एल टू एल थ्री इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड वी नो एनी एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज अ लीनियर पेयर. यहां पर हम लोग ये लिखा ना, अभी तो वही इंफॉर्मेशन किया हम लोगों ने, दैट सर इफ आई एम हैविंग टू एंगल्स, right, on a straight line, that two angle is your linear pair. Yes or no? Got it? Vihan? Baba T2, samajh mein aaya? Right? Aise kaise baba banoge tum? Hai na? Right? Chalo. So, ye sabko samajh mein aa raha hai? What is the meaning of this? So, example na de raha hu. Example, angle, any, take any pair, angle 6 plus angle 5. It should be 180 degree. Any two angle. Angle 5 plus angle 8. This should also be 180 degree. Hai na? So this is all linear pair. I can say these all are linear pair. The linear pair means if you add them, right, you will get 180 degree. Got it? Raise your hand. Got it? Hai na? Ye hame pata tha already. Ye hame already pata tha. तो हमें जो पता है उससे हम कर रहे हैं. ओके, नाउ टेल मी. ओके सर, ये तो समझ में आ रहा है सर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट एंगल वन, एंगल वन क्या के उल्टा में कौन सा एंगल है? विच एंगल इज जस्ट अपोजिट टू एंगल वन? टेल मी, विच एंगल इज जस्ट अपोजिट टू, टेल मी, जस्ट अपोजिट टू एंगल वन? थ्री. ऑसम, वेरी गुड. थ्री सबको दिख रहा है ना, राइट. ओके, एंगल टू के अपोजिट में जस्ट एंगल टू के, नहीं वैल्यू नहीं पता है, वैल्यू नहीं पता है, हम बस पूछ रहे हैं, वैल्यू नहीं है ना, तो नाम है एंगल वन एंगल टू, जैसे तनुश्री वन तनुश्री टू, है कि नहीं. अब दस विहान आ जाएंगे तो क्या करेंगे, विहान वन विहान टू विहान थ्री, नाम है ना, एड विहान, वैल्यू नहीं है. एंगल वन इज जस्ट द नाम, नेम. ओके, राइट. सपोज इफ दिस इज 60 डिग्री, इफ दिस इज दिस एंगल, ये एंगल का, ये एंगल का, है ना, ये एंगल का नाम, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इसका नाम है. ओके विहान, दिस, ये दिख रहा है अभी, मैंने सुंदर सा रंग दिया है, दिस एंगल वन, राइट, है ना, एकदम लाल पीला हरा सब कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, है ना, राइट. पेंटर बन जाऊंगा मैं आज, अगले साल से पेंटिंग वर्कशॉप इसमें से ले रहे हैं, राइट, जिंदगी में जो काम नहीं किया, ठीक है, राइट, अभी हम ट्रेड लेगा,
विष्णु सर को मैंने प्रिंटर बना दिया है ना, सो एंगल वन के अपोजिट में कौन सा है बताइए, एंगल थ्री, वेरी गुड। अब यहां पे हम लोग पेंट कर देंगे ब्लू ब्लू, स्काई ब्लू। चलो अब समझ में आ रहा है, अब दिख रहा है सबको, अब अच्छे से दिख रहा होगा, सुंदर सुंदर, राइट? हाँ या ना, राइट? ऑसम, ठीक है, चलो। सो एंगल वन के अपोजिट एंगल, अब सबको रंगने के लिए मत बोलना, अब ये ना होगा हमसे, राइट? दैट इज डन, मेरा आर्टिस्ट इतने दिन में ही टाइम चला गया, राइट? चलो एंगल टू के अपोजिट एंगल फोर, इन द सेम वे एंगल फाइव के अपोजिट, एंगल फाइव के अपोजिट सेवन, सिक्स के अपोजिट एट। सो ये सिंपल है ना, अभी बताओ, डोंट यू थिंक सर, अगर दिस इज 60 डिग्री, सपोज दिस इज 60 डिग्री है ना, तो एंगल थ्री शुड ऑल्सो बी वॉट, टेल मी, एंगल थ्री भी कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, हाँ या ना, वेरी गुड। इसका भी कुछ नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, यस, वेरी गुड नबील, नबील इज लाइक रॉक स्टार, आदित्य, ऑसम आदित्य, राइट? नो नो नो, इट इज कॉल्ड एज, ओके आई हैव टू चेंज, बहुत ज्यादा ब्लू ब्लू हो गया है, राइट? ओके, दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, नॉट वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो तुम लोगों के लिए मैं महंगा इंक यूज कर रहा हूँ, ग्लिटर वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है अभियान, राइट? महंगा इंक यूज कर रहा हूं मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और शॉर्ट फॉर्म VOA, वोआ, राइट? अब बताओ कितने पेयर हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल के, टेल मी, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल डू वी हैव, फोर है ना, एग्जैक्टली फोर, राइट? वन थ्री एट टू फोर फाइव सिक्स फाइव सेवन एंड सिक्स है, ठीक है? सो आई विल जस्ट गिव एग्जांपल, आई गेस आई कैन जस्ट गिव एग्जांपल, राइट? एंगल वन एंड एंगल थ्री, ठीक है, एंगल टू एंड एंगल फोर, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके सर, तो ये तो समझ में आ गया सर, ये हो गया हमारा, हमने ये चारों एंगल का देख लिया, राइट? वो तो नाम पे डिपेंड करता ना विहान, नाम पे डिपेंड करता, अगर इसको मैं एक्स वाई एक्स कर दूं, इसको वाई कर दूं, इसको जेड कर दूं, तो एक्स और जेड हो जाएगा, राइट? दैट इज जस्ट द नेम, ओके। नाउ लेट अस थिंक अबाउट दिस एंगल, अब सर ये तो एंगल वन हो गया सर, ये वन और फोर लीनियर पेयर हो गया, वन और थ्री वर्टिकल अपोजिट हो गया, वन और टू, राइट, है ना, लीनियर पेयर हो गया। अब एंगल वन और एंगल फाइव क्या है, राइट? रेड रेड, बहुत रेड, पूरा रेड है ना, एंगल वन और एंगल फाइव में क्या रिलेशन है कि नहीं, एंगल वन और एंगल फाइव में क्या रिलेशन है सर, कुछ तो है सर, क्या है सर, कुछ तो होना चाहिए, एडजेसेंट नहीं है ना, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू, अरे तो पड़ोसी का पड़ोसी है कि नहीं, वेरी गुड संध्या, वेरी गुड। इन द सेम वे एंगल टू एंड एंगल सिक्स, टू एंड एंगल सिक्स, राइट? यस सर, एंगल सेवन एंड एंगल थ्री एंड एंगल एट एंड एंगल फोर, है ना, ठीक है, सेम 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 लाइंस आ रहे हैं, एक छोटे छोटे, राइट? सो यस, सेम पोजिशन डिफरेंट लाइन, ऑसम, वेरी गुड, राइट? कितने ऑब्जर्वेंट हो विहान, अरे बता तो रहे हैं, सब जीनियस, तुम सब जीनियस बता रहे ना, कल को आई विल बी वेरी फेमस पर्सन, डू यू नो व्हाई, टेल मी, बताओ व्हाई आई वुड बी अ फेमस पर्सन, बताओ एनीवन, चलो अभी तुम लोगों को मैं मौका दे रहा हूँ बोलने का, आपके स्टूडेंट ने आसमान क्रेडिट लेकर आप अमीर बन जाओगे, ये आदित्य, आदित्य देखो ऐसे सोचता है आदित्य, देखो सब कोई,
सर आपके ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज कौन कर बनेंगे करोड़पति, सारे इसके सारे एक एक बार जीत गए। कल को मान लो कोई गूगल का सीईओ बन गया है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन गया है, किसी ने अपना कंपनी खोल लिया है, कोई होम स्कूल का सीईओ बन गया। स्कूल वाले तो एक करोड़ जीते रहे, वो हर एक का तो नाम नहीं याद रखेंगे। होम स्कूल का तो बोलो सर पार्ट टाइम जॉब देंगे सर, होम स्कूल में सर सैलरी कितनी होगी? यार आप देखो ये लड़का देखो, ये पक्का बिजनेस प्लान है। 5 पैसा सैलरी है तेरा, 5 पैसा राइट। सो नेक्स्ट अब आते हैं हमारे काम पे, ठीक है? नहीं तो मम्मी पीछे से डंडा लेके आएगी, ये क्या चल रहा है। ओके सो नेक्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? जैसे ये ना 1 5, सो द पोजीशन इन सेम, पोजीशन इज सेम बट टेल मी लाइंस आर डिफरेंट, राइट? सो दे आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? कौन कौन से भाई साहब बताइए, सबको ही मैसेज करेगा। 1 5 1 5 2 6 है ना, एंगल 1 एंड एंगल 5 है ना, देन एंगल 2 एंड एंगल 6, यस और नो? एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 3, राइट? एंगल 7 एंड एंगल 3, और बताइए आप, एंगल 4 एंड एंगल 8। सो व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यस और नो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ में आया? बताओ आया समझ में? राइट? अरे सी नबील, मैं जानबूझ के गलत करता हूँ, ठीक है? अगर मैं हर चीज सही करने लग गया तुम लोग को क्या लगेगा? अरे विष्णु सर सब कुछ आता है ना, देयर शुड बी फ्लॉ इन पीपल, राइट? तो मैं जानबूझ के गलत करता हूँ, तुम लोग यार हाँ विष्णु सर को ये नहीं आता है, समझ में आया? राइट? सब हम्बल रहना चाहिए ना, है कि नहीं? ठीक है चलो नेक्स्ट। तो ये corresponding समझे, तो corresponding angles are always equal, right? Which means, tell me, which means, अब देखो यार, angle 1 is 60, everyone, अब अपना, सब कोई common sense लगाएंगे, angle 1 60, तो angle 3 कितना? Tell me, angle 3 कितना? 60, right? Angle 3 60, तो angle 7 कितना? What is angle 7? 60 sir, angle 7 60, तो what is angle 5? What is angle 5? 60 sir, right? Yes or no? Haan ya na? Right? Awesome. Now, angle 1 and angle 2 kya hai? Angle 1 and angle 2 kya hai? Linear pair, right? Which means, sir, angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. Haan ya na? Haan ya na? Batayega janta? Very good Naveen. नहीं क्यों नहीं आदित्य, क्यों नहीं बताइए आप, क्यों नहीं? क्या पाप किया है एंगल 1 एंगल 2 ने बताइए? वो तो पेयर है ना, लीनियर पेयर है बेचारे, है ना? तो एंगल 1 कितना है? 60 डिग्री है, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो व्हाट इज एंगल 2? व्हाट इज एंगल 2 सर? एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री, यस और नो? Awesome. So, ये 120 हो गया, 120. तो angle 2 120 है, yes, है ना? Angle 2 120 है, तो angle 4 कितना हो जाएगा? Angle 4 कितना हो जाएगा? Tell me, angle 4 120, awesome. Vertically opposite angle, right? What about angle 8? अरे 120 का उल्टा 120 होता था, सेम है ना? Now angle 4 और angle this. Okay, angle 4 and angle 8. कौन सा angle है? कौन सा angle है? बताओ. कौन सा angle है?
सर एंगल 4 एंगल 8 इज कोरिस्पोंडिंग एट किल कोरिस्पोंडिंग ना अभी तो बोला नाम क्या कोरिस्पोंडिंग राइट यस कोरिस्पोंडिंग एंगल्स एंड कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते इक्वल होते हैं सर ये भी 120 हो गया सर ये भी 120 हो गया अगर ये 120 है ये 120 तो एंगल 6 कितना आएगा एंगल 6 कितना आएगा ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया सो दिस इज ऑल्सो 120 यस और नो बताओ इजी है कि नहीं इजी है कि नहीं यस और नो राइट ओके ओके सो दिस इज बेसिक्स राइट दिस इज वेरी बेसिक आई गेस ये सब थैंक यू कर दिया या सो आई कैन से व्हेन यू टॉक अबाउट एंगल 4 एंगल 6 टेल मी एंगल 4 एंगल 6 दे इक्वल राइट एंड No, 3 and 5, no, 3 and 5. Aditya, 3 and 5, not 3 and 8. Andar wala baat kare, interior. Hai na? Right? So I can say, sir, here we have two pairs. Angle 4, angle 6, angle 3, angle 5, right? They're inside these two lines. They're inside line L1 and L2 and on the opposite side of line L3. Hai na? Right? Exactly, Vihan, that's why, na? Simple like nahi. So I can say, chalo. So I can say, sir, right? Example mein kaun kaun sa aa gaya? Angle 1, right? देखो, 1 और 7, alternate है, alternate, बाहर वाला, है ना? 3 और 5, 4 और 6, interior में क्या हो गया? 3 and 5, and, okay, 4 and 6, and they are same, are equal. Now, in same way, alternate exterior angle. Hai na, jo 1 or 7 bol rahe, that is exterior. Bahar hai na? Hai na? Right? Dekho, ye 1 or 7 bahar hai na? Bahar ki or hai? Yes or no? Sorry, main video band hai. Okay, 1 or 7 bahar ki or hai? Or 2 or 8 bahar ki or hai? Right? And it is above line L1 and L2. Above line L1 and below line L2. Right? Exactly. So they are called as alternate. Tell me, alternate exterior angle. So example mein kaun sa ho gaya? Angle 1 and angle 7. Right? And angle 2 and angle 8. Hai na? Tell me. Hai na? Aur koi pair bacha hai? Tell me. Aur kuch bacha hai? Sir, kuch to bacha hona chahiye. कुछ तो बचा होना चाहिए और क्या बचा है भाई क्या बचा है आकर्ष देखो राइट इंटीरियर के अंदर की ओर सी आई विल जस्ट टेल यू आई जस्ट यूज दिस इज योर इंटीरियर पोर्शन हाँ है ना ये इंटीरियर पोर्शन है सो एंगल 3 एंगल 4 एंगल 6 एंगल 5 आर इंटीरियर एंगल्स यस और नो समझ में आया सबको राइट दोनों लाइन के बीच में है ना दोनों लाइन के बीच में है सो द एंगल्स एंगल्स दोनों लाइन के बीच में है राइट और एंगल 1 और एंगल 2 एंगल 8 एंगल 7 बाहर है लाइन के बीच में नहीं है दे आर एक्सटीरियर एंगल्स गॉट इट एवरीवन गॉट दिस रेज योर हैंड सो एंगल्स बिटवीन टू लाइंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस राइट आर योर टेल मी इंटीरियर एंगल्स राइट बट सी बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दीस पैरेलल लाइंस बट This angle 1, angle 8, है ना? Okay, बाहर है ना? Angle 1, angle, this L1 के इधर कोई लाइन नहीं है, है ना? Right? Yes or no? और इस L2 के इधर कोई लाइन नहीं है. Okay, so they are outside, है ना? In and out, exactly. चलो, अब यहाँ पे, सर हमने सब तो बात कर ली, but angle 4, angle 5 देखा जाए, angle 4, angle 5, angle 3, angle 6, ये भी तो कुछ है सर, ये भी तो कुछ है कि नहीं? हाँ है ना? Tell me, yes or no? Right? Yes or no?
सो दे आर कॉल्ड एज, किसी ने बताया था, किसी ने बताया था, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल. Now, alternate angle was what? Opposite side of this line L3, and alternate angles, alternate interior angle was the angles, right, at the opposite side of the transversal, yes or no? Angle 4 and angle 6 was, yes Sandhya, very good Sandhya, hai na? But if you talk about same side, agar hum same side ki baat karte hain, right, hai na? Tanushree, I was explaining the same thing, Tanushree. So I'm saying, if I'm talking about the same side, angle 4, angle 5, hai na? Same side pe hai. So they are called as co-interior angle. Guys, my voice is breaking. I don't think my voice should break. Hai na? Clear hai. Okay. So kya ho gaya? Sir. Not breaking. Okay. So angle, tell me, co-interior angle kya ho gaya? Co-interior is 4536. Angle 4 and angle 5. Or angle, tell me, 3 and angle 6. Ye kya hai? Sum should be 180. Sum should be 180 degree. Yes or no? Tell me. Haan ya na? Right? Very good, Priya. So see, because sir, one angle 5 is equal to angle 1, angle 5 is equal to angle 1, and angle 1 plus angle 4 is equal to how much? Batao, angle 5, angle 1 equal, corresponding angles, or angle 1 or angle 4, they are linear pair, 180 degree. So angle 5 plus angle 4 should be 180 degree, high enough. So that is just a property. Okay? Right? Got this? Now, don't you think, sir, agar interior hai, so there should be co-exterior angle also. Naam hai bas, zarurat nahi hota iska, but naam hai. Batao, kaun sa co-exterior angle hai? Tell me, which angle is co-exterior angle? 2-7, awesome, 2-7 or 1-8, hai na? Very good, Ananya. 2 or 7, 1 or 8, very good, Sanvi. Very good, Sandhya. Very good, awesome. So, example mein kya ho gaya? Angle 2 and angle 7 and angle 1 and 7, my bad. No, 2 and 7, say that 2 and 7. And angle 1 and angle 8. Agar main tum logo bolu, agar main tum logo bolu ki bhai sahab, ye khatam ho gaya tumhara syllabus. To aapko kaisa lagega? Bataiye. Itna hi padhna hai aapko. Hai ki nahi Nabil? Bataiye. हाँ या ना नबील सर कहाँ गए नबील सर फ्यूचर नबील सर राइट है ना अब इसमें कुछ है क्या तो कुछ भी है इसमें अब इसको डिफिकल्ट कैसे बनेगा ये क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट कैसे बनेंगे राइट इसमें क्या डालेगा बताओ इसमें क्या डालेंगे इसमें क्या डालेंगे x वेरी गुड आकर्ष इसमें हम डालेंगे लीनियर इक्वेशंस हाँ या ना यस और नो राइट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है अब हमें लीनियर इक्वेशन अच्छे से आता है हाँ या ना हमारा लीनियर इक्वेशन बहुत स्ट्रांग है कि नहीं हम लीनियर इक्वेशन को फाड़ देते हैं है ना तो चाहे आप x डालो y डालो जो डालना डालो हम सॉल्व कर लेंगे राइट है ना बट हम प्रैक्टिस करेंगे करेंगे नहीं करेंगे करेंगे ना नहीं सर सो जाएंगे सर डिनर में खाएंगे सर आज ठीक है चलो सो दो मिनट लिखना है तो लिख लो इफ यू वांट टू राइट दिस वी विल प्ले काहूट नाउ काहूट टाइम आज काहूट की बारिश होगी आज काहूट की बारिश होगी ठीक है सबको अपना अपना सीट बेल्ट बांध लो छाता वाता प्रिपेयर कर लो आज तो काउट की बारिश होगी चपाती इज नॉट अलाउड ठीक है
स्कूल डाउन स्क्रॉल डाउन क्या कार्तिक यार तुम स्कूल को ही डाउन कर रहे हो राइट कार्तिक यार चलो डोंट वरी आई विल शेयर दिस ठीक है आई विल शेयर दिस बहुत सिंपल है एनसीईआरटी मिलता ही है ना मैंने कुछ नहीं पढ़ाया तुम लोगों को राइट है ना हम लोगों ने बस रिविजन किया है ना है कि नहीं चलो अब हम लोग काहूट में देखेंगे लेट अस सी राइट चला जाए स्टार्ट क्या किया जाए अरे क्या गिरा जादू से कुछ गिर गया स्टार्ट किया जाए जल्दी जल्दी फास्ट तुम लोग पे डिपेंड करता है जितना जल्दी ज्वाइन करोगे सिंचना यू कैन कॉल इट एज अगेन राइट उसका कुछ नाम नहीं होगा ठीक है ना जल्दी जल्दी नहीं आकर्ष बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तुम पे आकर्ष बिल्कुल भरोसा नहीं है रत्ती पर भरोसा नहीं है तुम पे क्या बात करें मैंने फ्रेंडली निकनेम ऑन कर दिया क्या एनीवेज डजंट मैटर आज जो हो जाए चलेगा जो हो जाए चलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलेगा क्या बात है सुपर स्टॉक आई डोंट नो हु इज हु ठीक है गलती से फ्रेंडली वो स्टार्ट हो गया डोंट वरी चलेगा इंस्पायर्ड माउस क्या बात है हैप्पी बियर वेरी गुड प्राउड बनी अरे सही चल जल्दी 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 ओके तनुश्री आई गेस ओनली पफिन इज आदित्य नबील इज हॉनेस्ट ऑक्टोपस नाउ बता दो सब कौन कौन है श्रेया इज फास्ट ऑर्डर ओके फास्ट ऑर्डर इज श्रेया देन बिंदु विहान इज जेनी न्यूट ओके जल्दी जल्दी बता दे कौन कौन क्या है ग्रूवी जिराफ इज कार्तिकेय प्रिया इज नोबल बार्डर सानवी सोरिंग बाइसन जिया क्लासी फिंच ओके राइट स्टार्ट करते हैं अब देखते हैं कि कितने लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है The line has dash end points. बताएगा सब कोई स्टार्ट मैंने इससे किया था जीरो ना हाँ या ना ये कैसे गलत हो गया लाइन 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 फर्स्ट सवाल आज का राइट फर्स्ट सवाल हाँ या ना देखो सबसे पहले ओके क्वेश्चन से नॉट विजिबल का सॉरी नॉट विजिबल क्या जस्ट वेट आई जस्ट एंड इट डोंट वरी आई जस्ट एंड योर स्क्रीन स्टार्ट डोंट वरी आगे भाई सर इस बार सब ठीक कर दो हाँ सर ठीक है ओके सर अब तो पहला आंसर सब सही देंगे आप क्या ही कर सकते हैं अरे मैंने गलती से कर सकते हैं सर फिर भी जिसका रॉन्ग हुआ सर वो क्लास नहीं कर रहा है सर वो सो रहा है ठीक है वो क्लास नहीं कर रहा है वो सो रहा है सर वो सो नहीं रहा सर वो आपको ना दुखी कराना चाहता है और कुछ वो मुझे ना क्या बोलते हैं मेरा दिल तोड़ना चाहता है हां सर जल्दी जल्दी 965022 सर पहली बार फर्स्ट आया सर सर मेरा तो नेटवर्क ही स्लो है सर आखिरकार मेरा सपना पहली बार अभी मेरा नेटवर्क बहुत सही है मतलब सुपर फास्ट आई एम सो हैप्पी सर आज क्यों सर बैंगलोर में इतना अच्छा चल रहा है क्या सर क्या बैंगलोर में इतना अच्छा चल रहा है क्या सर कितना स्पीड होता है सर कितना स्पीड इस क्लास का क्वेश्चन है आपका 1 GB/s इतना भी नहीं है इंडिया में रहते हैं हम लोग सर क्लास का 7 crore वाला क्वेश्चन आपका कौन सा नेट है देखो देखो स्पीड देखो भाई ओह माय गॉड वाह सर वाह
अरे तो कुछ भी नहीं है, हमारा 210 से भी ऊपर चला जाता है बीएसएनएल वाईफाई। सर मेरा 1.6 एमबी। सर क्या बात, केबीपीएस की बात नहीं चल रही है, केबीपीएस की बात नहीं चल रही है सर। कौन सा नेट है सर? ये एमबीपीएस की बात चल रही है। कौन सा नेट है? ठीक है, 200 एमबीपीएस सर। नेट कौन सा है सर? अब लगा वन जाता है टू जाता है सर। 200 वही तो सर। बीएसएनएल है क्या सर? कौन सा है सर? मैं चपाती नहीं रख सकता, आदित्य बाबा रख सकता है क्या सर? ये तो चीटिंग है। अब तो मैं भी चपाती। आदित्य गलत बात है, क्या करके पता चलता है ना सर? न्यूटन नबी बिहान चपाती रख लो बिहान, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चपाती ओके ये तो अब सब सही देगा। हे भगवान, अब क्या इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ तो दो लोग तो विहान आपको गुंडा बोल रहे, हमको नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है। हाँ सर, सर को हिम्मत है आपको गुंडा बोलने का सर? Guys, recording हो रहा है, so be a good guy, right? Pretend to be a good guy. सर आप recording में बोल दिए। हाँ सर, YouTube पे सब लोग subscribe कर रहे हैं आपके चैनल को, इतने अच्छे स्टूडेंट हैं आप। ऐसे लिखना सर, नंबर या लेटर? सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना पैसा दान दे सकते दान दी। मेरा ना गिरे, मेरा ना गिरे, मेरा बच्चे। अब ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए क्लास में। सर आंसर ट्रिक तो मेरे भी याद है, तो दिखा रहा है। पता नहीं, ठीक है देखो, व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री दे आर डैश टू ईच अदर। क्या क्या हे भगवान, सर मस्त चैप्टर है सर, लेकिन ये सही हो जाएगा। अरे तुम लोगों को ज्योमेट्री मजा आ जाएगा, बता रहा हूं मैं, मजा आ जाएगा। सर ट्रायंगल प्रॉपर्टी सबसे मस्त है सर। दो लोग कौन है प्रॉपर्टी सर? आ रहा हूं सर मैं, धीरे-धीरे कैचअप कर रहा हूँ सर। कैचअप 6th पे आ गया। गुड, टॉप 5 में आने का ट्राई करो भाई जी। तुम लोगों के लिए सर मेरा हो गया टॉप 5 कंफर्म सर। तुम लोगों के लिए मैं सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ सर। मेरा कैंसिल हो गया सर। हो गया सर? सर घर आओगे? मेरा टॉप 5 कैंसिल हो गया सर। गलत कैसे हो गया? 9th आ गया। गाइस देखो, angle is complement of itself, means अगर first angle x है, second angle क्या होगा बताओ? x होगा sir, x plus x is equal to 90. Exactly, 90 minus x ना, right? And it is equal, right? So x plus x is equal to 90, हाँ या ना? सर हमें तो आपने ये बताया भी नहीं, और sixth में तो सर हमें इतना पढ़ाया भी नहीं है इसके बारे में। अरे अभी तो common sense है। Guys, अभी तो ये linear equation है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बताओ? x plus y is equal सर, कॉम्प्लीमेंट क्या सर? सप्लीमेंट उप्लीमेंट कुछ भी नहीं पढ़ाया कॉम्प्लीमेंट नहीं सर, क्लास में, स्कूल में। स्कूल तो छोड़ो ना, स्कूल स्कूल होम स्कूल है भाई यार, बैठे बैठे स्कूल हमारा होम स्कूल जिंदाबाद, हमारा होम स्कूल जिंदाबाद। अच्छा 4 की आंसर स्ट्रिक थी है ना? तो देखो अगर x x है तो y की तो 90 minus x हमें पता है linear equation है ना, and this is equal to x, हाँ या ना? सर एक दिन था सर, जिस दिन हर आप जैसे फिजिक्स और मोशन का काउंट लेते सर, मैं हमेशा फर्स्ट आता था, वो दिन नहीं गए सर। गए वो दिन, अब फिर से लाओ वो दिन यहाँ, ऐसे कैसे? सर फर्स्ट सेकंड थर्ड सब अन्या थर्ड वेरी गुड अन्या। सर फिजिक्स काउंट में मैं हमेशा टॉप 5 में आता हूँ। अक्टूबर में आएगा फिजिक्स काउंट वापस, टेंशन मत लो सर, खेलेंगे खेलेंगे तो पर मैं सिक्स आउट खेलेंगे 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया ठीक है नेक्स्ट सर एक और। अरे बरसात होगा आज का सर, 4-5 का आउट का बरसात होता है सर। छी 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 आज का सर बहुत बोल सर, डेली बरसात सर, ग्राफ में नीचे वाला नदी बन गया सर। क्या बोलते आज का आउट का बरसात होगा सच्ची बोल रहा हूँ, रिवर बन गया सर घर के नीचे, इसलिए तो आज बहुत बरसात हुआ। तुम लोग आज काउट का बरसात करेंगे सर? आप बोल
सर आज रिकॉर्ड करते हैं सर, पहली बार बरसात असली बरसात की। हाँ सर, ताकि किसी का नेट ना चले, सबको कम मार्क्स है ना सर। चलो चलो तुम ज्वाइन करो जल्दी से। सर फाइनली अब मेरे को बढ़िया वो और ये शक्ति आ रही है सर आज मेरे को। जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो, क्विक क्विक। चपाती का कमबैक। चपाती करेगा कमबैक और भी लेकर आना पड़ेगा सर। आदित्य मेहता का उल्टा चश्मा। लो गुड, वेरी गुड। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आदित्य मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है चलो नेक्स्ट। Sum of two angles 180 degree, then the angles are dash of each other. Supplement na guys, abhi hum log ne dekha hai na, 180 supplement, 90 complement, right? So it's time lagega, get used to hone mein. Next, supplement angle of 120 is 65. True or false? Supplement angle of 125 is 65. True or false? False na? Add karo na bhai. Add. 125 plus 65. Kitna hota hai? Batao, gaon walo. Kitna hota hai? Aata hai ki nahi addition? Right? Nahi aata hai? Na kato hoga mera? Kitna hota hai? Batao, everyone. 190. 190, राइट right? और सप्लीमेंट में कितना होना चाहिए? Tell me. Yes. Okay. Next. 180 होना चाहिए. आकाश फर्स्ट पे ही है. कोई गिराओ पकड़ के खींचो उसको. Guys, अभी हम लोगों ने बोला ना pair of two obtuse angle can be supplementary. No, supplementary कितना होता है? 180. हाँ या ना? Tell me. अब बताओ, any angle which is greater than 90 degree, x is greater than 90 degree. Wait, I'm just using wrong sign. X is greater than 90 degree. Y is also greater than 90 degree. So what do you think? X plus y, it is greater than 90 plus 90. Yes or no? हाँ या ना? हाँ या ना? विच मीन्स एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 180. तो बताओ ये जो होगा राइट, दिस इज व्हाट, राइट है ना? बट ये क्या, एक्स और वाई एक्यूट था, स्टिल ये 180 से बड़ा था. हाँ या ना? एक्स और वाई greater than 90 था, because obtuse है ना, x and y is greater than 90, obtuse है, right? And the sum is greater than 180. बताओ, is this possible कि वो sum 180 हो जाए? नहीं ना, sir, not possible sir. So the answer is no. Got it? Okay. जल्दी जल्दी. यस गाइस, अभी हम लोग देखा ना, सप्लीमेंट 180 होना चाहिए है ना, और ये जोड़ कितना है 90. गलत है ना, कॉम्प्लीमेंट होता है ना. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सबको. 90 कॉम्प्लीमेंट, 90 कॉम्प्लीमेंट,
90 मार्क्स लाएंगे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, राइट? 90% लाएंगे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. ओके माय बैड, आई स्किप्ड इट, माय बैड, मेरी गलती, ठीक है, आई स्किप्ड इट, गलती से स्किप हो गया, धोखा हो गया. ओके राइट. चलो नेक्स्ट. सर कितने जल्दी जल्दी काउंट आ रहा है. ओके कोई बात नहीं आकाश, गिरने वाले ही उठते हैं ना, है कि नहीं? जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी. ओके चलो नेक्स्ट. जल्दी 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 व्हाट, हमें इसके बाद दो काउंट और खेलना है, रिकॉर्ड तोड़ना है, पांच काउंट पर विहान है और क्या होगा. गाइस अभी अभी मैंने बताया, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी एडजस्टेड एंगल्स? यस ऑब्वियसली, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. एडजस्टेंट में जरूरी है कि कोई एक फिक्स्ड एंगल होना चाहिए, नहीं ना? इफ यू टॉक अबाउट एक्स एंड वाई, आर दे एडजस्टेंट? टेल मी, इफ यू टॉक अबाउट एक्स एंड वाई, आर दे एडजस्टेंट? हाँ या ना, जस्ट रेज योर हैंड, यस और नो. यस है ना, राइट? बट दे आर obtuse, है ना? समझ में आ गया सबको? Got this? बिंदु, विहान, got this? Okay? चलो, awesome. क्या बात कर रहे हो? आदित्य टॉपर बन गया. अरे वाह आदित्य. Next, dash have a common vertex and a common arm, but no interior points. आंसर पिछले सवाल में था. एडजेसेंट एंगल्स, करेक्ट करेक्ट. सिंचना टॉपर बन गई, आदित्य को खींच लिया गया. नेक्स्ट ओके राइट है ना, सेम लीनियर पेयर है, मीन्स सम शुड बी 180 डिग्री, याद है? लीनियर पेयर एंड सप्लीमेंट्री आर सेम. सो 55 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाट इज एक्स? सर लीनियर इक्वेशन में आता है, ये बच्चे वाला है राइट. तब भी चार लोग गलत कर रहे हैं, सब बड़े हो गए सर, है ना? बड़े हो गए इसलिए गलत कर रहे हैं, बच्चे वाला है राइट right? है कि नहीं? नेक्स्ट Guys, कैसे कैसे पांच लोग गलत, कैसे
pair of adjacent angles whose non-common side are opposite rays from a linear pair. Tell me. ये बस English है. Pair of adjacent angles whose non-common sides, pair of adjacent angles whose pair of opposite, right? Sorry, straight line नहीं बना मेरे से, but हाँ. I hope all of you getting the point. Adjacent angles whose pair of this are, tell me, है ना? Clear है? ये common हो गया, ये non-common है. Non-common क्या है? Opposite एक दूसरे के. तो क्या ये linear pair है? Right, so this is true. Got it? Next. Yes. Got it. Two acute angles can form linear pair? No. Wrong. Same answer. Sir, x less than 90, y less than 90 degree. So, dono ka sum kitna ho jaye? X plus y should be less than 180 degree. Haan ya na? Yes or no? Right? Chalo, next. वेरी गुड. नेक्स्ट नेक्स्ट काउट रेडी. एक और काउट किया जाए ना. We will start, guys. Jaldi batao. See, it is given angle if AB and CD are straight line. AB or CD straight line diya hua hai. Then what? Angle 1 and angle 2. Angle 1 and angle 2 form linear pair. True or false? False na guys. Right? False na. Angle 1, angle 2 kahan se linear pair ban raha hai? Angle 1 or angle 5 is linear pair. Angle 4, angle 5 is linear pair. Linear pair matlab do angle hona chahiye. Do angle ka sum should be 180. Yes or no? Next. Same. अब बताओ. अरे यार मैंने आंसर बता दिया. मैंने आंसर बता दिया. अब इसमें कोई गलत होगा ना? तीन लोग गलत है. मैंने अभी आंसर बताया. Yes or no? बताओ. तुम लोग बोल सकते हो. हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. अभी तीन लोग गलत कैसे हो गए? सो रहे हैं क्या तीन लोग? सर मुझे ना इमेज बाद में नजर आता है सर, क्वेश्चन पहले नजर आता है. बोलो सर अब मैं क्या करूं? चल टेल मी दिस.
सर मल्टी सिलेक्ट होना चाहिए था सर सर क्यों सर एक ही ऑप्शन आंसर सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और चारों दबा देते उसके लिए राइट एट ओके अभी हमने बताया है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल बताओ वन का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है फोर फोर ना तो ये टू कहां से हो गया बताओ टू कहां से हो गया टू इज एडजेसेंट एंगल राइट हाँ या ना और थ्री कहां से हो गया थ्री थ्री तो कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं है वन के उल्टा इज वर्टिकली अपोजिट नेक्स्ट बताएगा सब कोई सर आई वैल्यू ऑफ पी ओके राइट अब देखो यहाँ पे कैसे 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 Tell me, P or 70? What is P? 180 minus 70, 110. Awesome. Very good, Vihan. Sir, अभी हम लोग करते उनको मेरे वोट से. अब कैसे गलत होगे? बताओ कैसे गलत होगे? मैं उदास हो जाऊंगा. क्या रहा हूँ मैं? Next, if L and M again same. ये तो सेम है ये तो आंसर ये तो सबको सही होना चाहिए सर जो गलत करेगा वो मरेगा ये गलत करेगा ना तो आदित्य रोएगा पूरा ठीक है सर तो दूंगा आदित्य सीरियसली पांच लोग गलत हैं कैसे ऐसा लगता है सर पिछला वाला आंसर रट्टा मार दिया चलो कोई नहीं गलती इंसान सीखता है सर ये होते हैं लालची लोग सर सिर्फ उन्होंने लगा क्वेश्चन रिपीट हो गया सर और जल्दी करेंगे तो ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे इसलिए बोलते हैं जल्दी में नहीं रहना चाहिए इंसान को हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है सर पता है मेरे ना एक क्वेश्चन ना चला गया तो उसके वजह से मैं सेवेंथ में आ गया मतलब नेट की वजह से ना क्वेश्चन ही मुझे नहीं दिखाई दिया एक और क्या सर एक और है सर नहीं सर मेरे को खाना भी खाना है सर एक और नहीं नहीं आगे सर मजा सर चपाती तैयार है सर ठीक है चलो गैस पे भी और काउट के लिए भी कोई बात नहीं खाने के लिए वेट करेगा खाने के लिए भी चपाती तैयार है खुद ही चपाती है पता नहीं खाने के लिए भी चपाती चाहिए चपाती चपाती मैं हूँ चपाती बनाता हूँ चपाती 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 म्यूट कर देंगे आप उन्हें चपाती 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 खाते हो चपाती नाम कहाँ से ढूंढा सर आलू सब्जी चपाती हिंदुस्तानी गेमर यूट्यूब चैनल सर चपाती भाई अज्जू भाई लॉगी लॉगी टेक्नो गेमर अज्जू भाई चपाती भाई नहीं ज्वाइन सर जल्दी 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 ज्वाइन करो अमित भाई कोई बात नहीं चलो ओके वी विल स्टार्ट नाउ तनुश्री तनुश्री नहीं है कोई तनुश्री नहीं है तनुश्री नेटवर्क खराब है शायद सर दोनों तनुश्री गुस्सा हो गए चले गए रुको सर सर M2 सर ये M के बाद क्या है सर M parallel to N parallel this is called as parallel ठीक है राइट फोटो देख लो लिख लो अच्छे से आगे नहीं दिखेगा सर क्यों ऐसे बोलती सर बता रहा हूँ नोट करो कॉपी में सर तो एक घंटा दो सर सर आपने झूठ बोला सर
चलो जल्दी और क्या सर, कितना कष्ट हुआ सर पता है, तीन लाइन पूरे के पूरे तीन लकीरें खींचनी पड़ी मुझे। लोगों ने से पहला देखा और मार दिया आंसर, तीनों सही है सर। हाँ सर वही सर, सर ये नबील का नेट बहुत अच्छा है सर। फाइंड एक्स, ये तो सुपर इजी है, सुपर इजी। अरे सर हटा क्यों दिया सर, क्योंकि फोटो है ना, फोटो है वो ना। अरे सर ठीक है सर, कोई बात नहीं चलेगा। ये आंसर सर ये पता नहीं क्या था सर, मैं तो डर गया सर, मैंने फोटो ही नहीं देखा था। पर फोटो वापस भगवान ईश्वर की तरह प्रकट होते आ गए। जादू 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 सर, ये दो लोग सर हर बार दो ना दो निकल जाते हैं। ये दोनों का सम क्या इक्वल है ना, अभी तो बोला दिस इज करस्पोंडिंग एंगल, दिस इज करस्पोंडिंग एंगल सर। यस नेक्स्ट, आगे आगे बढ़ते हुए स्किप मत कीजिएगा सर। इसको क्या बोलते हैं बताओ पहले, इसको क्या बोलते हैं? अरे सर इंटीरियर एंगल, सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस सर स्किप मत कीजिएगा सर। ओके सर हो गया। अरे सर ऑप्शन आ चुका है पहले सर, मुल्लू बन गया। बनने क्या जरूरत है सर, कॉल आ गई उल्लू बनने की जरूरत है। सेम ना, अल्टरनेट एंट्री एंगल्स आर इक्वल, हां या ना? अरे सर गलत दबा दिया सर, ऑप्शन देखा नहीं सर, कुछ नहीं पढ़ा, बिना पढ़े दे दिया सर। सीधा 11th प्लेस से 4th पे और गया। नेक्स्ट, इसको देखा जाए अच्छे से। अरे सर हटा क्यों दे रहे हो सर, क्योंकि फोटो है। अरे सर भाड़ में गया वो फोटो। लैंग्वेज लैंग्वेज सॉरी लैंग्वेज चेक, लैंग्वेज चेक सर, मेरा शायद से गलत होगा, शायद से मेरा सर मैंने गलत दबा दिया सर। इतना दुख हो रहा है सर, इतना दुख हो रहा है। क्या ये अल्टरनेट उल्लू बन गया ना, यस और नो सर? ना प्लीज सर, साउथ में मैं उल्लू बन गया सर, अब तो मुझे भी छोड़ दिए सर। सर आदित्य फर्स्ट से फोर्थ आया, ये गलत। चलो देखो सबको जल्दी से, एंगल टी इज 120 डिग्री, क्वेश्चन इज दिस। ओके सर स्किप कर दीजिए सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस काउट, लास्ट काउट ऑफ टुडेस क्लास सर, आखिरी। ओके ये गलत है। आपका पॉइंट कितना है? मेरा है 2786। मैं एक पॉइंट से चपाती से बच गया सर, मेरा सर मैं फोर्थ आया सर, मैं दिखाया ही नहीं सर, आप मेरे को पोडियम दिखाओ सर, व्यू फिल रूम दिखाया तो पोडियम देखो सर, मैं 5000 स्क्रीनशॉट लूंगा सर। राइट सर, पता नहीं सर इतने स्क्रीनशॉट आएगा। मैंने लास्ट क्वेश्चन में एग्जैक्ट 1000 पॉइंट्स किया सर। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो सर।